नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। गुजरात में चुनाव रैली में हार्दिक पटेल को युवक ने मारा थप्पड़। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक जनसभा के दौरान एक शख्स ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को थप्पड़ जड़ दिया। घटना उस समय हुई जब वह बल्दाना गाँव में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। बताया जाता है कि एक शख्स अचानक मंच पर चढ़ा और हार्दिक पटेल के करीब गया। जब तक हार्दिक कुछ समझ पाते, उस शख्स ने हार्दिक पटेल को थप्पड़ जड़ दिया। हार्दिक पटेल का कहना है कि बीजेपी उन्हें मरवाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में हुई शामिल, उठाया कांग्रेस में महिलाओं के सम्मान का मुद्दा। कांग्रेस प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से कांग्रेस नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन मेरे लिए महिला सम्मान का बड़ा मुद्दा है। पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे साथ अभद्रता हुई, इसे लेकर मेरी पार्टी से नाराजगी थी। मैं सेवा की निष्ठा से शिवसेना के साथ जुड़ रही हूँ। हरियाणा सीएम मनोहर बोले, नेहरू की गलतियों के कारण कश्मीर में लागू हुई धारा 370। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो सकता था। नेहरू की गलतियों के कारण मामला उलझ गया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए और दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि इसे बनाए रखें। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कि कहा कि समाज व गरीबी का भला करना सरकार का कार्य है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया था। इस पार्टी की चौथी पीढ़ी भी अब यही नारा दे रही है। मुंबई ने लिया पिछली हार का बदला। आईपीएल के 34वें मैच में दिल्ली की टीम को रोहित की मुंबई ने 40 रन से हरा दिया। लगातार 3 मैच जीतने वाली दिल्ली को अपने ही घर में मुंबई के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं मुंबई इस मैच में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज हो गई। मुंबई ने 9 मैचों में 6 मैच जीते हैं और उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए थे। दूसरे दिन धीमी पड़ी फिल्म कलंक की रफ्तार। करण जौहर की फिल्म कलंक ने पहले दिन जबरदस्त कमाई की। फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज हुई और पहले ही दिन इसने 21 करोड़ रुपए कमा लिए। हालांकि फिल्म को लेकर फैंस में जितना एक्साइटमेंट था, फिल्म उनकी उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतर पाई। वही फिल्म क्रिटिक्स ने भी कलंक को अच्छे रिव्यू नहीं दिए हैं। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।